हाय हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रियो की मम्मी और मैं आज जो वीडियो बनाई हूँ वो घर का काम लेके बनाई हूँ। एक हाउसवाइफ होके क्या काम रहती है घर पे, मैं एक हाउसवाइफ हूँ और घर का काम क्या रहते हैं क्या नहीं आज मैं दिखाती हूँ। अगर मेरा वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब करना प्लीज़ प्लीज़, उसमें तो पैसा नहीं लगता है, मेरे को अच्छा लगेगा। मेरे को मन ही नहीं कर लेता काम ठंडा में ठंडी में। काम करते करते जाती मैं सुबह बहुत सारा काम, अकेले काम में इतना काम ऐसा नहीं है, कोई हाथ बटने वाला है नहीं घर में, इतना काम है अकेले, दुकान संभालो, घर का काम करो, खाना बनाओ, झाड़ू लगाओ, बिस्तर का दुनिया भर का काम, झाड़ू लगाते लगाते कोई दुकान आ जाएगा तो फिर दुकान दौड़ना पड़ेगा। एक तो ट्यूशन चले गया और एक पीसी जाने लगा, तो पेपर है 8 बजे चले जाते हम, 9:30 हो गया, 10 बजे से पेपर। बाबू तैयार कितना बजे, अभी जल्दी, इसको भी अभी 10-11 साल चल रहा है लेकिन इसको हाथ से तैयार करना पड़ता है हर टाइम, जल्दी मैं अपना काम करूँ तेरे को तैयार करूँ बता। ए बाबू तेरे को कितना दूर चला गया, फिर बुला के लाई फिर से की जल्दी कर, उसका रख देती उसको तैयार करके रख के। ये चावल का आटा है, इससे थोड़ा सा ना चीला बना देती हूँ क्योंकि बच्चे सीख जाएगा वो आते तो बहुत लेट। जाएगी तो थक जाएगी बेचारी, मेरा बेटा थोड़ा सा मन ही नहीं कर रहा काम, सुबह ठंडी में कितना काम करो, पानी वानी भरना पड़ेगा। चटनी बना दूंगी थोड़ा सा, टेस्टी लगता है, अच्छा लगता है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। चावल का आटा का ना एकदम चीला एक नंबर लगता है, बनता भी है 2 मिनट में, 2 मिनट में बन जाएगा जल्दी में, ये अच्छा है। चावल का ये खाएंगे तो थोड़ा पानी पिए तो पेट भरा चक्कर नाश्ता हो जाएगा। पानी से ज़्यादा लगता है, गरम हो गया तवा ना, तवा में खड़ी ऐसा डालो, टाइम थोड़ा सा लगेगा, पतला करके डालो हल्का सा,
गोल करके डालो बस दो दो मिनट होता आस में बनाओ बस देखो आज में ऐसे ही ना गरम बन जाएगा तो नीचे से खुल जाएगा बन जाएगा तो नीचे से दो दो मिनट बाद ये हल्का हो जाएगा नीचे से निकल जाएगा निकल जाएगा दो मिनट रहने दो मिनट लगेगा दो मिनट हो गया अपने आप निकल गया हो गया हो गया ना जितना बोली ना हो जाएगा तो कितना अच्छा हो गया खाने में टेस्टी लगता है ज़्यादा तेल वेल कुछ नहीं है घर में खा बना सुबह सुबह चम्मच नहीं दो तरफ से करते करते मैं भी भूल जाती हूँ ये सही की उम्मीद के बाद बोले हो मैं तो भूल गई थी और पीसने के बाद हल्का सा सरसों का तेल कच्चा वाला दो चार बूंद डाल दो हो गया नमक मिर्चा धनिया पत्ती लहसुन टमाटर बहुत पसंद है ये ना खाना के साथ भी चावल के साथ भी पसंद करती है और वो मिक्सी से उतना टेस्टी नहीं लगता इसलिए मैं इससे बना रही दो मिनट लगता है बनाने में ना कितना टाइम झाड़ू भी लगा लिया घर का काम भी कर लिया नाश्ता भी बन गया मेरा बाबू हो जाएगा सब 10 बजे पेपर है 10 बजे पेपर है तभी कितना बजे सारे 9 बज गए बन गए यही बाबू दुकान देखना देखो कैसे बना करने ये देखो कैसे बना है सेंट बहुत अच्छा लगा है रोटी के साथ खाओ चावल की चीला के साथ गरम गरम अच्छा लगता है ये देखो ये भी हो गया और रुक जा रही हो दोनों में हो जाएगा ना बाबू रुको रुक जा बेटा मैं आ रही हूँ टिफिन में दे दो उसको तो चटनी और थोड़ा सा तेल डाला है फिर दुकान में कोई आया मैं तो हड़बड़ी में रहती हूँ कुछ भी काम ले केला का सब्जी बना रहे ना हाँ केला का सब्जी बना रही मेरे को बहुत पसंद है केला का सब्जी रोहू मछली और केला का सब्जी एक नंबर बनेगा आलू तो नहीं और क्या बनाएंगे और क्या बनाएंगे बता
बनाओ टमाटर का चटनी, नहीं तो आलू है कुमरा बुंजी बनाओ। बहुत अच्छा है ना एकदम मीठा वाला कुमरा, मीठा वाला देसी कल बनाया था ना बहुत अच्छा लगा। हार्ड है इसे मैं ना हाथ हाथ में भी लग जाते हैं कभी, देखा कैसा हार्ड टेक का है। ऐसे बनाऊं ऐसे करके, ऐसे ना बाबू को भी पसंद है ऐसे करके बना देती हूँ ठीक है ऐसे करके। तेल में फ्राई करो बढ़िया। हाँ ऐसे पसंद है सब। हल्दी और नमक मिला के इतना हार्ड है ना कितना बना मैं बस हो जाएगा हो जाएगा। एक बार के लिए ज्यादा तेल वाला चीज अच्छा नहीं लगता। चलो ठीक है ये चाकू से काट दूँगी।